तो रीजनिंग में जैसे प्री में आता तो मेंस में कैसा है इस बार? मेंस में बिल्कुल आसान है, प्री जैसा ही है, एकदम प्री जैसा ही है। हाँ। मतलब कुछ नया लगाओ? नहीं, नया नहीं लगा। मैंने करियरविल से तैयारी करी थी, करियरविल इज द बेस्ट। जो पढ़ाया था ना आपने वही क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन केवल वो नंबर सिस्टम वाला जो होता है ना 11-33 ऐसे करके तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़े, बाकी 29 किया। बाकी ये कह रहे कि जैसा प्री में था उससे इजी क्वेश्चन था। तो करियरविल पे तैयारी सही थी? हाँ, मैंने तो ऑफलाइन पढ़ी थी, उसके बाद तैयारी नहीं की थी, केवल प्रैक्टिस की थी आपकी। और मैथ का क्वेश्चन भी काफी इजी था, मैथ्स का भी काफी, इंग्लिश मैथ और जीएस का थोड़ा सा, जीएस का टफ था क्योंकि मैं जीएस पढ़ा नहीं था। सर बढ़िया रहा सर, पेपर इजी था सर, प्री जैसा ही था सर। प्री जैसा था, लगभग उससे डाउन ही था। डाउन था? हाँ सर। और रीजनिंग वाले शिफ्ट में कह रहे हैं कि बैंकिंग लेवल था, कहीं बैंकिंग लेवल लगा? बिल्कुल नहीं सर, जो आपने पढ़ाया था वो तो अपर लेवल था सर, अपर लेवल था। और हम पहले ही कह रहे थे कि जो आएगा उसी में से आएगा एकदम। आपको कोई एक टाइप ऐसा लगा जो उससे बाहर आई हो? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं, कोई सिंगल टाइप नहीं सर। रीजनिंग के तो सारे अटेम्प्ट मैंने पूरे किए। रीजनिंग का मैथ्स कैसा था? मैथ सर इजी था, लेकिन मैंने वो अभी आधी ही सिलेबस पढ़ रखी थी क्योंकि मेरा अभी प्रिपरेशन ही था, मैंने वो बैंक एथी पर ही डाल दिया था अभी। तो कैरेविल से पढ़ के कैसा लगा? कैरेविल तो सर इमोशन है अपना, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सभी सर से, जयदीप सर, राकेश सर, सभी सर। जयदीप सर से आपने इंग्लिश पढ़ी? जी सर, राकेश सर से मैथ्स और गगन प्रताप की दोनों की बैच ले रखी है अभी। ये कह रहे हैं कि इस बार 14 मिनट पहले कंप्लीट हो, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन 14 मिनट पहले कंप्लीट हो, इतने टाइम पर। हाँ, क्योंकि पेपर रीजनिंग में कितना टाइम लगा? रीजनिंग का टाइम मैंने देखा नहीं, लेकिन काफी कम टाइम लगा मेरा, काफी कम टाइम। हाँ। मतलब कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं था? कैलकुलेटिव बिल्कुल। तो याद करो एक बार कौन कौन से क्वेश्चंस आपको? सर क्वेश्चन नहीं आ रहा। वेन डायग्राम से? हाँ, वेन डायग्राम से था। हाँ, वेन डायग्राम से 3-4 क्वेश्चन था, फिगर काउंटिंग वाला। वेन डायग्राम से नहीं सर, क्वाड्रेटिक रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक रिलेशन। डायरेक्शन से नहीं था और इजी था। क्लासिफिकेशन एनालॉजी? नहीं सर, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे शायद। कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। कैलेंडर क्लॉक? सर कैलेंडर क्लॉक से नहीं था कोई क्वेश्चन। मतलब जो आपने प्री में पढ़ा था वही है? हाँ वही था। वो थे ऐसे सर्कल में बिठाने होते हैं ना लोग, और पैरेलल में बिठाने होते, वो वाले भी थे। कैसा रहा मतलब रीजनिंग जो करा? सर रीजनिंग अच्छी, मतलब जो आपने करा वही आया था, बेस का बैठ गया उसमें सही। कोई एक सिंगल क्वेश्चन जो नहीं बना हो कि सर आपने वो क्लास में नहीं कराया? नहीं सर, सारे क्वेश्चन जो आपने शीट दी थी वो सब स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। हाँ सर, असम्पशन तो एक 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। आर्गुमेंट? एक असम्पशन एक आर्गुमेंट, एक असम्पशन का एक आर्गुमेंट। स्लॉग से हाँ एक क्वेश्चन था, लेकिन वो इजी था सर। वो शुभम भारद्वाज। शुभम कहाँ से आए हो? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, थैंक यू सर। राकेश यादव सर, और वो सर इंग्लिश में जयदीप सर की जो 20 दिन वाली क्लास थी मेंस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। राकेश सर की वो मैंने पूरी सिलेबस कंप्लीट मेरी नहीं हो रही थी, तो वो मैंने कर ली, वो बहुत फायदेमंद साबित हुई थी सर, लास्ट की जो क्लास। हाँ, और रीजनिंग में आपने आपसे पूरी कर रखी थी, तो मैंने रीजनिंग वो लास्ट आपसे नहीं की थी, पहले से ही मैंने कर रखी थी। जी नहीं, मेरी रीजनिंग में कोई समस्या नहीं हुई थी सर, बहुत अच्छे सर। वो जो स्टेटमेंट वाले थे वो सारे सवाल हो गए थे। अच्छा, और कुछ सजेशन देना चाहेंगे जिनका कल एग्जाम है? यही सर, आओ और 2 एग्जाम अच्छी आ रही है, पेपर बढ़िया से एक बार रिवीजन मार लो, और यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो कैरियरविल पे प्लेटफॉर्म पे आ गया वही आ रहा है। सब कैरियरविल तो सबसे बेस्ट है सर, कैरियरविल बेस्ट। हाँ, सभी बेस्ट है अपने आप में। इंग्लिश में कोई ऐसा सवाल कि सर ने नहीं कराया? मैथ्स में कोई ऐसा सवाल? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। प्रीवियस ईयर की सारे वो इंग्लिश में जितने भी वोकैब आ रही थी सारी प्रीवियस ईयर की, सब वही आ रही थी। आपने पहली बार दिया है? पहली बार दिया। मेरा तो वो ग्रेजुएशन भी अभी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ है। मेरी तो रिजल्ट भी आ जाएगी तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो डेट नहीं हो पा रहा है। एक्सपीरियंस हो गया। जी सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब आपको रीजनिंग पहली बार आया है, तो रीजनिंग में कैसा रहा? कुछ अनएक्सपेक्टेड था? नहीं, इजी थी। कहाँ से आए हो आपने? दिल्ली, मालवीय नगर। मैथ्स कैसा था? मैथ्स भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, मैथ्स सेक्शन इस बार कह रहे हैं मैथ्स बहुत इजी था, मतलब ये कहूं कि एक मॉडरेट लेवल का ही था। मॉडरेट लेवल नहीं, काफी इजी था। मैथ्स भी और रीजनिंग भी बहुत इजी थी। मॉडरेट नहीं कह सकते। हां, मॉडरेट नहीं कह, रीजनिंग भी इजी थी, मॉडरेट नहीं कह सकते। ये जो दोपहर वाली शिफ्ट है उसके मतलब बहुत इजी था। कंप्यूटर थोड़ा टफ देखने के लिए मिला, मतलब टफ नहीं कह सकते, डीप क्वेश्चंस जाते हुए नजर आए, अदरवाइज सब कुछ इजी था। कंप्यूटर से थोड़ा सा टफ था बाकी। हां, थोड़ा सा उसे कह सकते हैं मॉडरेट लेवल था, अदरवाइज ये भी मॉडरेट। हाँ, जीके में करंट अफेयर के केवल 2 क्वेश्चंस थे, बाकी सब ऐसे ही था। करंट अफेयर के 2 क्वेश्चंस थे, वो भी स्टैटिक इंडेक्स और एक और, अदरवाइज कुछ नहीं था ऐसा कोई। इस बार जो एग्जाम में आ रहा है ना वही आ रहा है जो आपको पहले भी बता दिया था। मतलब लेटेस्ट यही है कि जो अगर आपने एक प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया तो उसके दायरे से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। तो मेंस में बेस्ट रिस्पॉन्स है सभी का, जितनों से मैंने पूछा है पर्सनल, सभी और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। और मैं अभी भारू सागवान मॉडल स्कूल अकेडमी के बाहर नियर बाई मेरे यही था, तो क्लास के बाद यहीं आ गया, और क्लास के बाद यहीं से मिलता। तो एक और स्टूडेंट हमारे पास है इस अकेडमी के बाहर। अच्छा, हम थोड़ा साइड में थे, स्टूडेंट्स तो बहुत मिलते हैं, ये लगा ले 30% स्टूडेंट्स यहाँ कैरेविल के ही होंगे। तो मैथ्स में कैसा रहा रिस्पांस इस बार? मैथ्स और रीजनिंग सर इजी आ रही है, मेंस लेवल की है नहीं, मेंस लेवल है ही नहीं। अब हमने कहा था 70% तो वही होगा, अपडेटेड हुआ तो 30% होगा, और 30% अपडेटेड जैसे मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट के सवाल आए, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल थे, एक कॉज एंड इफेक्ट से था, एक कॉज एंड एक्शन से था, कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन, और एक इन्फेरेंस का भी क्वेश्चन था। ये प्री में नहीं आते थे कभी भी। 3 क्वेश्चन थे इससे, तो डाटा सफिशिएंसी के, डाटा सफिशिएंसी 4 सवाल हो गए। डाटा सफिशिएंसी से 2 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट वाले थे, पर वो सिटिंग अरेंजमेंट, हां, तो इनके सेट में डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन हो गए सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, सर्कुलर और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, और 3 सवाल थे स्टेटमेंट से रिलेटेड। सिलोजिज्म सिलोक्स दिया था उसमें, सिलोक्स था, इजी था सिलोक्स, सिलोक्स था। डायरेक्शन का नहीं था, कोडेड ब्लड रिलेशन था, उसके 2 क्वेश्चन थे, वही थे परसेंटेज के सिंबल का मीनिंग ये है, कोडेड वाले थे ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी से भी एक क्वेश्चन था सर, इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन था, और रैंकिंग वगैरह, रैंकिंग से भी था एक क्वेश्चन, या कंपैरिजन का था, रैंकिंग का था, रैंकिंग का था कि राइट से 12th पोजीशन है, लेफ्ट से 18th, टोटल स्टूडेंट कितने, इस टाइप का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का वही था, कोडेड वाला ब्लड रिलेशन का, हां सर। मतलब मैं ये मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा था भी 70% तो वही है और 30% अपडेटेड, मतलब कभी प्री में ना उन्होंने ये नहीं पूछे थे स्टेटमेंट वाले, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग वाले, क्रिटिकल थिंकिंग वाले थे, ये नहीं, हाँ, इस बार आ गया। मैंने कल मैराथन निकाली थी उसमें भी कराया था, क्यों, उसका एक रीजन था कि भाई इस बार CHSL MTS प्री के एग्जाम में ना ये स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए थे, तो इससे एक इंडिकेशन मिलती थी कि ये क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। अच्छा ये बताओ कि इनइक्वालिटी से था एक क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से था, कोडेड वाला था या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल था, वही इक्वेशन दे रखी है, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कह रहे हैं, इनइक्वालिटी कह रहे हैं, इनइक्वालिटी सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला था भाई, इनइक्वालिटी से सवाल आएगा। क्लासिफिकेशन एनालॉजी से कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था उससे, क्लासिफिकेशन से था, 11 33 और 17 दिया था, तो इसमें ऐसे करना था, दोनों को सम करके 5 माइनस करना था, इस टाइप से था क्वेश्चन, हाँ इजी था। कैरेविल पे मैथ्स किससे पढ़ रहे हैं आप? राकेश यादव सर से। और कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया कोचिंग में या सर मैथ्स ही की? नहीं मैथ्स ही की सर, वहां से, और जयदीप सर से की सर इंग्लिश, जयदीप सर से, बाकी सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं? हां जी सर। रीजनिंग वगैरह आप खुद से कर रहे हैं? रीजनिंग खुद, हां, रीजनिंग YouTube से पीयूष सर की और आपकी वीडियो से प्रैक्टिस कर लेता हूं मैं। टाइम मतलब कितना टाइम लगा आपको ओवरऑल? फर्स्ट सेक्शन इजी था सर मेरा, 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन के अराउंड हो गए थे, 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन के अराउंड, फिर जो क्वेश्चन थे जो ऐसे थे जो लेंथी लग रहे हैं लास्ट में वो किए, तो मैंने टोटल 58 अटेम्प्ट किए उसमें, 58 अटेम्प्ट। एक रीजनिंग में क्वेश्चन रह गया था, उसमें था टेंट की वैल्यू दी थी 80, ड्रॉप की वैल्यू दी थी 59, और ऐसे एक पूछा था, तो उसमें अपोजिट करके करना था, वो लास्ट में मैं कर ही रहा था, मैं टाइम अप हो गया। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे एट ए टाइम ध्यान आते हैं, लेकिन फिर भी समस्या सभी के साथ बनी रहती है, और कैरेविल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जितने थे ना सारे प्लेटफॉर्म से ही थे, तो सभी कह रहे थे, कोई ऐसा सवाल कहेंगे कि सर वो टाइप क्लास में नहीं कराई सर, रीजनिंग और मैथ बहुत ईजी है, इंग्लिश भी ईजी है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग, 2 ऑप्शन दे दिए जैसे ये डाउट है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और लेंथी बनाने की कोशिश करिए, जैसे जंबल वर्ड वाले जंबल सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन है, उसमें 2-2 लाइन के हर सेंटेंस दे रखे, चारों सेंटेंस, और एक क्वेश्चन ऐसा था स्टेटमेंट 1 और 4 दे दी, बीच की 2 स्टेटमेंट बतानी है, पर हमें दी हुई है 4 स्टेटमेंट, उन 4 में से कोई 2 आएंगे और किस ऑर्डर में आएंगे वो बताना था। हाँ रीअरेंजमेंट। कहाँ से आए आप? मैं नरेला से। चलिए, थैंक यू।